जैसे जैसे शाम हो रही है ना, रश और खूबसूरती दोनों बढ़ते जा रहे हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस मिल जाते हैं मिठाई पैक करने के लिए, स्पेशली इसको डिजाइन किया गया। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं हमारी प्यास का छुटकाने। हम तो बिहार से ही हैं, सर यूपी से हैं, तो पंजाब से। मुझे बहुत अच्छा लगा है, बादाम मिल्क शेक है और आज भी खा रहे हैं, आज भी बहुत अच्छा। अभी रेस्टोरेंट में चल रहे हैं यहाँ से। प्राइस बहुत चीप है भाई, रिलायबल प्राइस, लेकिन अब एक जगह बन गया है यहाँ पर हम लोग को, ये बहुत बेनिफिट है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, अच्छा खाना भी अच्छा है। इस तरह का इंटीरियर आपको फाइव स्टार होटल में ही देखने को मिलेगा। कॉन्टिनेंटल मिल जाता है, उसके बाद आपको इटालियन मिल जाता है। आ चुका है हमारा शेक यहाँ पे, तो ये आ गया पिज्जा, इधर रखा है सिजलर, यहाँ पर है बादाम शेक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। हम लोग खड़े हैं गोकुल के जस्ट सामने, लेकिन आज गोकुल का एक ऐसा रूप आपको दिखाने वाले हैं ना, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। नाम वही है, टेस्ट वही है, बस नया अवतार देखने को मिला है। तो एक्चुअल में ये प्लेस जो है ना, पटना का गांधी मैदान का कारगिल चौक है, और ये रहा पीछे मोना सिनेमा हॉल, उसके जस्ट बगल वाला गोकुल अब बिल्कुल बदल चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जहाँ पर सिर्फ शेक और रसगुल्ला नहीं, इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अभी चलते हैं यहाँ से सीधा उस जगह पर। यहाँ से महज चंद कदमों की दूरी पर आपको वो गोकुल मिल जाता है जो कि पूरा बदला हुआ गोकुल आपको दिखाई देगा। तो गाइज, मैं इसी की बात कर रहा था, बस वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर खादी मॉल के जस्ट बगल में आपको ये गोकुल का बदला हुआ रूप दिखाई देगा, जो कि टेस्ट वही है, रेट भी वही है, सब कुछ वही है। तो यहाँ से अभी अंदर चलते हैं हम लोग। थैंक यू गार्ड साहब, थैंक यू। तो अभी आ चुके हैं हम लोग अंदर, और यहाँ पर जब आप देखेंगे चीज़ों को तो बिल्कुल ही बदली हुई सब कुछ दिखाई देगा। वो पुराना वाला गोकुल वो बिल्कुल ही बदल चुका है, एक नया अवतार आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस मिल जाते हैं। पहले तो ये मिल जाता है जहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट आइटम्स मिलने वाले हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ बहुत सारे स्वीट्स और बहुत सारे फ्लेवर्स यहाँ पर पैकिंग के साथ मिल जाते हैं। इवन पटना में बहुत ही कम जगह ऐसी होती है जहाँ पर इस तरह का चीज़ देखने को मिलता है। इस तरह से आप जब आते हैं और किसी को कुछ देना है अगर, तो चुपचाप से यहाँ से गिफ्ट लेते हैं और फिर यहाँ से लेकर के सीधा चले जाते हैं। ये एक मिठाई पैक करने के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया बॉटल है, इसमें आप रसगुल्ला वगैरह या फिर जो भी आप रसमलाई वगैरह कुछ भी पैक करा करके गिफ्ट कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा लगेगा ना किसी को जब इस तरह का गिफ्ट जाएगा उसके घर पर, तो एक अलग सा इंप्रेशन है। फेंकने वाला नहीं भाई इसको, वो मिठाई खाने के बाद इसको रख देगा कहीं पे अलमारी पे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद ये पूरा का पूरा बकेट, ये देखो आप, ये फुल ऑफ कुकीज़ एंड कैंडीज़ से पूरा भरा हुआ है, और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर जो है ना काफ़ी स्पेशल बना रही है इस प्लेस को। एक हैम्पर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल वाला लुक है। इसमें भी आप मिठाई पैक करा के किसी को दे सकते हो। मेवा का ये सेक्शन है जो कि आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये सेक्शन में आप जब आप आएंगे तो 400 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा, और आप जितना ज़्यादा मतलब माल डालेंगे उतना अच्छा चीज़ और निकल करके सामने आएगा, वही वाला चीज़ है यहाँ पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत दिनों के बाद में गोकुल ने अपना नया ट्रेंड एक दिया यहाँ पे, बिल्कुल बहुत अच्छा बनाया है। और रेट वगैरह सब सही है? हाँ, रीजनेबल है। तो अभी रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं भीड़ बहुत लोग है यहाँ पे, और सभी लोगों को ये एक नया वाला कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है कि गोकुल मटर एक्सपीरियंस। थैंक यू। अलग अलग स्टेट से हम लोग। हाँ, किस स्टेट से? हम तो बिहार से ही हैं सर, यूपी से हैं, तो पंजाब से एग्री एक्सपो में आए हुए हैं हम लोग। अच्छा, यूपी पंजाब बिहार सभी के? बहुत अच्छा लगा है, बादाम मिल्क शेक है और आज भी खा रहे हैं, आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि जब आना हो रहा है इधर तो एक बार आ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुक्रिया सर। तो लोगों का फीडबैक आप देख सकते हैं और क्राउड भी यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ से हम लोग ऊपर चलते हैं रेस्टोरेंट एरिया को कवर करने के लिए। जैसे जैसे शाम हो रही है ना, वैसे वैसे रश और खूबसूरती दोनों बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे शशांक भाई है। शशांक भाई, सबसे पहले तो हाय कर दीजिए। हाय गाइस। तो पिछला वाला जो गोकुल था जी, उससे ये अलग कैसे, क्या है यहाँ पे? जैसे पिछले गोकुल में हम खाली 25 तरह की मिठाइयाँ बेचते थे। हाँ। अब इस नए गोकुल में हम 250 टाइप्स ऑफ मिठाइयाँ बेचते हैं। 250 टाइप, 250 टाइप की मिठाइयाँ रहती है एनी टाइम। साथ में चाट का पूरा रेंज है। हाँ। उसके अलावा बेकरी है पूरा, जैसे केक हो गए, बंस हो गए, सूप स्टिक हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, ये सारा आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा हम यहाँ पे स्नैक्स आइटम भी रखते हैं, समोसा हो गया, पैटीज हो गया, कचौड़ी हो गई, हमारी अनियन कचौड़ी काफ़ी फेमस है। प्याज कचौड़ी मैंने भी सुना है उसके बारे में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको खाने के लिए लोग दूर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, कई कई
अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट से लोग। प्याज कचौड़ी वो है कहाँ, देखते हैं। फेमस प्याज कचौड़ी जिसकी जिक्र हो रही है बहुत ज्यादा और दूर दूर से लोग खाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग। जी बिल्कुल, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं हमारी प्याज कचौड़ी खाने। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो 100-200 पीस प्याज कचौड़ी पैक करा के घर ले जाते हैं। हमारे पास जैसे हलवे की भी रेंज हो गया है, हलवा गाजर का हलवा, बादाम का हलवा, मूंग का हलवा, ये सारा कुछ आइटम भी आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगा हमारे यहाँ। रोज हमारे यहाँ बनता है, रोज सोल्ड आउट हो जाता है। नमकीन का यहाँ पर आप पूरा रेंज देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अरेंज करके रखा गया है। यहाँ का शेक तो बहुत ही फेमस है यार। मैं स्कूल से जब आता था ना तो मोना सिनेमा मूवी देखने के बाद यहाँ का शेक जरूर पीता था गोकुल का, तो ये शेक यहाँ पर आपको मिल जाता है। और इसके बाद इस साइड में मॉकटेल काउंटर है जहाँ पर आपको आइसक्रीम शेक वगैरह बना करके आप पी सकते हो। तो अभी प्याज कचौड़ी को टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। कैसा लगता है गोकुल? गोकुल तो हम बहुत पुराना से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग भी टेस्ट करते हैं अभी प्याज कचौड़ी। यहाँ का काफ़ी क्रंची है यार, इसको जब जैसे ही खोलते हैं ना आप, इसकी खुशबू आपको बहुत ही अच्छी लगती है। और अभी टेस्ट कीजिए, प्याज कचौड़ी मैंने बहुत खाई है, इसको भी खा करके देखते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट है यार, खस्तापन और बिल्कुल बना हुआ, अनियन बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील हो रहे हैं। और ये सेम टेस्ट जो है, जैसे मेरा, मैं दिल्ली में रहा हूँ, मेरी सारी पढ़ाइयाँ वहीं से हुई हैं, तो मेरा कोई भी फ्रेंड आता था ना तो मैं स्पेशली उसको बोलता था कि गोकुल से प्याज कचौड़ी लेके आना। तो अभी इसको जल्दी से निपटाते हैं और फिर यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, जो यहाँ के कस्टमर्स हैं, वो नया वाला लुक देख करके थोड़ा सा हैरान हो जा रहे हैं। सर कैसा लुक लग रहा है? नहीं, बहुत ही शानदार और एक अलग टाइप का जो है, हाँ बहुत बेहतरीन। मिठाई भी टेस्ट की है, ऊपर भी गया था, सब बढ़िया। हाँ। इस चीज़ की मतलब ज़रूरत थी पटना में। पटना में ज़रूरत थी। देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि इस चीज़ की ज़रूरत थी पटना को। गोकुल अब छोटे तक सीमित रह ही नहीं रहने वाला था और बड़ा होना था। अभी रेस्टोरेंट में चल रहे हैं यहाँ से, जो कि ऊपर जाता है नीचे वाले पार्ट से बिल्कुल ही हट के। जब इसके आप स्टेयर्स के ऊपर आते हैं ना तो भी एक अलग सी वाइब मिलती है। बहुत ही अच्छी स्ट्रिप लाइट यहाँ पे लगी हुई देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद इसको पूरा तरह से एकदम ग्रीनरी माहौल में डिज़ाइन किया गया, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर आने के बाद भी आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला। तो पीपल हु लव टू ईट, यहाँ पर बोर्ड मिल जाता है जो कि एक वाइब बना देता है, वाइब। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट वाले सेक्शन में जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको इटालियन है, चाइनीज़ है, इंडियन है, सब कुछ ले सकते हैं, मेन कोर्स के साथ साथ स्नैक्स भी। इतनी खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। जैसा गोकुल का पुराना रेस्टोरेंट था उससे खास इन्हेंस किया है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है, रेंज इन्होंने बढ़ाया है, अपना आइटम्स ऑफ रेंज बनाया है रेस्टोरेंट में, सारे चीज़ को कवर किया है इन्होंने। बहुत अच्छा है, पहले से भी गोकुल का स्नैक्स वगैरह हम लोग लेते ही थे, मूवी देखने आते थे तो हमेशा गोकुल में खाते ही थे कुछ भी। प्राइस बहुत चीप है, वही रिलायबल प्राइस। इसकी जो खूबसूरती है ना, ये अपने आप में अलग इसलिए हो जाती है ना क्योंकि खूबसूरत होने के बावजूद भी काफ़ी सस्ते रेट में यहाँ पर मिल रहा है। गोकुल को हम लोग पहले जानते थे उसका जो रसमलाई है, हाँ। या अदर जो मीठा आइटम है या स्वीट्स आइटम है, हाँ। उसके लिए जानते थे, लेकिन अब एक जगह बन गया यहाँ पर, हम लोग को ये बहुत बेनिफिट है बिल्कुल कि परिवार को ला करके और पास में नियरेस्ट जो है आपका मूवी भी देखने का प्रोग्राम है, हाँ। एकदम बिल्कुल यहाँ आइए, हाँ। और आंख मूंद करके एकदम जो है यहाँ कुछ भी आप अगर खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बना हुआ है सामान हुआ, और प्राइस भी मतलब अदर देन ठीक ठाक है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है ना कि बड़ी जगह को देख करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ। कितने पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जैसा कि सर बता रहे हैं कि बजट फ्रेंडली है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, अच्छा खाना भी अच्छा है, मतलब अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ। एम्बियंस कैसा लग रहा है, पूरा इंटीरियर अगर बात? बहुत ही अच्छा है यहाँ, इंटीरियर बहुत ही अच्छा है। तो जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट एरिया में जो कि नीचे वाले स्नैक्स वाले पार्ट के ऊपर है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा वाला तो पहले एक इन्वायरमेंट मिल जाता है जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इंटीरियर किया गया है, काफ़ी खूबसूरत ढंग से इस प्लेस को बनाया गया है। और यहाँ पर जो बाहर के साइड है यहाँ पर तकरीबन 30 से 32 लोग आराम से बैठ करके एक टाइम में खाना खा सकते हैं। ये है वो रिजर्व एरिया जहाँ पर 40 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और यहाँ पर 40 लोग बैठ सकते हैं आराम से, अगर प्राइवेट पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करना चाहे तो इसमें आराम से आ जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया ना, उसके हिसाब से ये ज़रूर कह सकते हैं कि इतने कम प्राइस में आपको इस तरह का एम्बियंस तो कहीं नहीं मिलने वाला भाई, जो आपको गोकुल यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी आप लोगों ने देखा था रेस्टोरेंट, अभी यहाँ के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको बैंक्वेट्स भी ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़े दिनों में आपको बैंक्वेट्स भी यहाँ पर मिल जाएगा, चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्नैक्स के साथ रेस्टोरेंट फुल मेन कोर्स के साथ, ओहो ऊपर आने के बाद तो एक अलग ही फील है भाई, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत से यहाँ पर बैंक्वेट हॉल को डिज़ाइन किया जा रहा है। ये जो लॉबी बनी है ना, ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और लिटरली इस तरह का इंटीरियर आपको 5-स्टार होटल में ही देखने को मिलेगा, जिस तरह का इंटीरियर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जब आप कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हो, बर्थडे पार्टी हो या फिर किसी भी तरह की पार्टीज हो, तो आपको निराशा हाथ नहीं लगने वाली।
और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा बैंक्वेट अभी बनने को, यहाँ पे बस थोड़ा दिन बचा है, एक दो महीने में आपको ये वाला प्लेस जो है वो बैंक्वेट के तौर पर देखने को मिलेगा। क्या है कि यहाँ से नीचे चलते हैं हम लोग और नीचे चल के टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। हम लोगों ने यहाँ के मेन्यू मंगाया और यहाँ का मेन्यू भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है यार, मतलब बहुत ही क्लासी टाइप का मेन्यू यहाँ बनाया गया, ब्लैक पे गोल्डन। और जब इसको आप खोलते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। पटना का अपना बादाम मिल्क जो है कि इनका फेमस है, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मिल जाता है, उसके बाद आपको इटालियन मिल जाता है, उसके बाद ब्रेवर्स के बहुत बड़े रेंज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप मेन कोर्स में आते हैं तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। ये सारा कुछ आइएगा एक्सप्लोर कर पाना बहुत मुश्किल है, सबका दाम बताना आप देख लीजिएगा। उसके बाद बिरयानी राइसेस है यहाँ पे, ब्रेड्स में बहुत सारी चॉइसेस आपके पास हैं, साउथ इंडियन है, ऐड ऑन कर सकते हैं आप अलग से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर करते हैं और यहाँ का टेस्ट आपको बताते हैं। आ चुका है हमारा शेक यहाँ पे और काफ़ी ज़बरदस्त वाला मजीतो हमने ऑर्डर करा था कि कुछ पीते हैं उसके बाद फिर कुछ खाया जाएगा। तो स्टार्टर में एक सिजलर ऑर्डर करा, ये हमारा सिजलर भी यहाँ पर आ चुका है अभी। और ये है यहाँ का ट्रस्टेड वाला बादाम शेक, इसको हमने एक और इसको भी ऑर्डर करा था। सो ये आ गया पिज्ज़ा, इधर रखा है सिजलर, यहाँ पर है बादाम शेक। ओ भाई ये देखो पिज्ज़ा का कलर कितना ज़बरदस्त है। जैसा कि लोग फीडबैक दे रहे थे ना उस हिसाब से भाई वाकई में यहाँ का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। हम लोग भाई पिज्ज़ा ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद फिर सिजलर को ट्राई करते हैं। जो सिजलर है जो हम लोगों ने अभी मंगाया है इसको टेस्ट करते हुए देखते हैं कैसा है। ऑथेंटिक सा टेस्ट है, यू कैन ट्राई हियर और खा सकते हैं आप। फाइनली गाइज अभी सब कुछ हो चुका है, हम लोगों ने यहाँ पर पहले तो स्नैक्स, उसके बाद फिर छोटा मोटा स्टार्टर और फिर मेन कोर्स करा और काफ़ी अच्छा लगा। अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, अगर आपको मौका मिले तो एक बार ज़रूर आइए गोकुल में, ट्राई करिए। ये जो नया वाला गोकुल है ये बिल्कुल ही बदल चुका है यार, लिटरली सब कुछ चेंज हो चुका है। चलिए फिर आपको भाई साहब मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।